एक भाई है, इनके कॉल का, इनके मैसेज का जवाब देना बहुत जरूरी है मेरे लिए, तो दे देता हूँ यार। भैया अमन भैया कॉल उठाना, ठीक है? हाँ जी भैया, आपका मैसेज आया था अभी क्लास में। गुड आफ्टरनून भैया, कहाँ से हो? सर, मैं कैथल हरियाणा से बोल रहा हूँ। हरियाणा कैथल से बोल रहे हो, बताइए भैया क्या डाउट है? डाउट तो बस ये पूछना चाहता था कि मैं पिछले साल, जैसे आपने स्टडी करवा रहे हो इतने सालों से सर, हाँ यानी पिछले साल कितने सिलेक्शन हो पाए है सर आपके सेंटर्स के बच्चों को? अच्छा, इन भैया का एक डाउट है, आप लोग भी सुन लें इनका डाउट का। पहले तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर इनका कमेंट देखो, क्या कमेंट है, और जेनुअन कमेंट है, खैर इनका कोई दिक्कत नहीं हो, वहां से स्क्रीन बड़ी करो। ना ना ना, आप टेंशन मत लो, मैं आपका आपका कमेंट देखो, स्क्रीन पर आ रहा है, डोंट वरी। इन भैया का एक बहुत बेहतरीन है, ये देखिए जरा, इन्होंने कहा मैं सर सर मैं पूछना चाहता हूँ कि 2022 में आपके कोचिंग सेंटर से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया है इन्होंने, और मुझे उम्मीद है कि पूरा इंडिया के माँ बाप हर जगह पर जब जाते हैं अपने बच्चे के कैरियर के लिए, तो माँ बाप के माइंड में भी यही क्वेश्चन होता है कि किसी भी कोचिंग से कितने सिलेक्शन हुए। ठीक है, अब मैं आपको एक वो, अब तुमको मैंने एक दिन कटिंग भेजी थी अखबार की, वो कटिंग पढ़ी है क्या? एक मिनट, आप लोगों को मैं जवाब देता हूँ, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहा हूँ आपको, आपको जवाब मिल जाएगा, बट मुझे यहाँ पर नहीं शो करना चाहिए अब, लेकिन चूंकि भाई ने क्वेश्चन पूछा है, मैं इसके अटकाऊंगा नहीं इनको। वो स्क्रीनशॉट पढ़ा है, मैं दूं तुमको? व्हाट्सएप तो खुला है ना इसमें? हाँ, ये डालना जल्दी। अब एक चीज देखो, आपको आज इसका इस रियलिटी का आंसर मिल जाएगा इसमें, बिल्कुल जेनुअन। भैया आप सुन रहे हो ना मेरे को? अभी स्क्रीन पर एक एक अखबार की कटिंग आ रही है, उस कटिंग को देखना आप, है ना? चलिए अब जाओ, देखिए अभी क्या हुआ, हर साल जब आईएएस का एग्जाम का रिजल्ट निकलता है या पीसीएस के एग्जाम का रिजल्ट निकलता है, जिस दिन यूपीएससी रिजल्ट निकालती है, उसके अगले दिन अखबार में कम से कम 50 60 70 80 कोचिंगें हैं इंडिया की, जो दावा करती हैं कि मेरे यहाँ से एक से लेके इतने सिलेक्शन हुए हैं, एक रैंक से लेके इतने सिलेक्शन हुए हैं, टोटल 400 500 सिलेक्शन हुए हैं। ये बात जेन्युइन है, और इस बार को लेकर फर्जी दावे हर एक करती है। मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूं चलो इनके रियल दावे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि भारत सरकार की एक पर्टिकुलर एजेंसी ने, जो फर्जी रिजल्ट छापते हैं, उन कोचिंगों के दावे को नकार के उनको नोटिस जारी किया कि आप हमें इस बात का जवाब दीजिए कि आपके यहां से इतने सिलेक्शन कैसे हुए। और अब इसी का देखिए, देखो क्या लिखा है, ये मेरी कटिंग नहीं है, ये अखबार की कटिंग है, जिस पर लिखा है, आप पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। और इन पर चार संस्थानों पर 1 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, कोचिंगों के नाम तक दे रखे हैं कि 2022 की यूपीएससी परीक्षा में चयन का दावा इन इन कोचिंगों ने किया है, संस्थान का नाम है और चयन का दावा किया था कि हमारे यहां से इतने सिलेक्शन हुए थे। हर कोचिंग का नाम दे रखा है, मुझे नाम नहीं पढ़ना किसी का, मैं नहीं जानता, मैं कहता हूं कि इनके यहां से इतने सिलेक्शन हुए हैं, ये सब सही है। बट अगर सब सही है तो भारत सरकार ने नोटिस क्यों जारी किया, आप ये बताओ ना खुद। इसका मतलब अगर एक कोचिंग संस्थान ये दावा कर रहा है कि हमारे यहां से इतने सिलेक्शन हैं, तो पहले तो बच्चे को ये चीज समझनी चाहिए कि क्या ये सच्चाई हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चलो अगर मान लिया पॉसिबल है, तो गवर्नमेंट की पर्टिकुलर एजेंसी इनको दावे को क्यों, इनको नोटिस जारी कर रही है। अब आपको मैं बताता हूं, सुनो अच्छे से, अब आप मेरा जवाब सुनना। मेरा जवाब ये है कि कोई भी कोचिंग अगर ये दावा करती है कि हम आईएएस बनाते हैं या हमारे यहां से इतने सिलेक्शन होते हैं, ये सारे दावे मैक्सिमम झूठे होते हैं। आपका नाम क्या बताया भैया आपने? अमन सिंह। भैया पापा क्या करते हैं? आपके पापा मिस्त्री है, मतलब एक, मतलब मानता हूं मिडिल क्लास फैमिली से हो, सही है? घर में परिवार की एक मासिक आय कितनी होगी, मंथली इनकम कितनी होगी?
नहीं, अंदाज से बता दो मुझे, घर में पूरे मम्मी पापा भाई बहन सब मिला के कितने रुपए कमाते हो गए? 30,000? मैं 40,000 मान लू, 50,000 मान लू, मैं मान लेता हूं आपके घर की मासिक इनकम 50,000 है, सही है? तुमने बहुत मेहनत करी, पूरी जान लगा के दिन रात मेहनत करी, और आईएएस में कल को तुम्हारी पहली रैंक से लेकर 10 रैंक तक रिजल्ट निकल आया, सही है? मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं, हां या ना में जवाब देना, सही है? तुम्हारा कल को बहुत मेहनत करा, दिन रात मेहनत करा, पहली रैंक से लेकर 10 रैंक तक तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, और रिजल्ट जिस दिन निकला, तुम्हारी रैंक आई, सारे लोग तुम्हारे मिठाई लेकर आ गए, गुलदस्ते लेके आ गए, सही है? और पर्टिकुलर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आया तुम्हारे पास, और तुम्हारे सामने 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की 50-50 हजार की 4 गड्डियां तुम्हारे सामने रख दी, 4 गड्डियां जो सामान्यतः मिडिल क्लास का फैमिली एक साथ शायद कभी नहीं देखता, सही बात है ना? 50-50 हजार के नोट की 4 गड्डी सामने रखी हो तो शायद मिडिल क्लास के घर में शायद 50,000 रुपए एक साथ होते नहीं है, 2 लाख एक साथ रखे हैं। और तुमको कोचिंग वाला ये बोल रहा है कि आप इस पेपर पे साइन कर दो, इस फॉर्म पे, कि आपने हमारे यहाँ पढ़ाई करी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हाँ करोगे या ना करोगे? मैं कह रहा हूं अगर तुम ना करोगे, पहले सुनो मेरी बात, तुम ना करोगे ना तो 2 लाख की जगह वो 2 गड्डी और रखेगा, तुम फिर मना करोगे तो 2 गड्डी फिर रखेगा, तुम कब तक नहीं टूटोगे? तुम 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, कब तक नहीं टूटोगे? अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं सबकी नहीं कह रहा, ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट जब रिजल्ट निकलता है तो दिखावा करते हैं कि हमारे यहां से इतने सिलेक्शन हुए, ताकि माँ बाप अपने बच्चों को उस कोचिंग में पढ़ाने के लिए खेत बेच दें, जमीन जायदाद बेच दें, और अपने गहनों को गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। पहली बात तो यह है कि आईएएस की तैयारी करने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ये तो धंधा है सिर्फ। मैं आपसे पूछ रहा हूं 1.5 से 2 लाख रुपए में तुम आईएएस की तैयारी कराते हो, बच्चे को क्या देते हो? सोना देते हो उसको? आपको एक बात बताता हूं, टीचर में और स्टूडेंट में एक ही फर्क है, पता है क्या? स्टूडेंट हमेशा रिस्क में रहता है, तुम तैयारी कर रहे हो, तुमने 1.5 से 2 लाख रुपए कोचिंग में दिए हैं, 1% चांस भी नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, 99% रिस्क में हो कि नहीं? 99% रिस्क है ना कि बर्बाद हो सकते हो, कोचिंग वाला 100% प्रॉफिट में है, तुम्हारा सिलेक्शन हो तब भी 2 लाख उसे मिल रहे हैं और ना हो तब भी 2 लाख मिल रहे हैं। तुम तो मर गए ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, बच्चा जब भी कहीं पढ़े तो ये देख ले कि माँ बाप की खून पसीने की कमाई बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इस बच्चे का मैंने जवाब सिर्फ दिया है, बाकी मेरा किसी कोचिंग वालों से कोई लेना देना नहीं है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सब के सब बेस्ट हैं, बस मैं एक खराब इंसान हूं पूरी दुनिया का, मैं खुद बोल रहा हूं, भारत के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अच्छे हैं, मैं सबसे खराब इंसान हूं। मैं सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की जगह पर मैं सिर्फ बच्चों को लूटता हूं, मैं सिर्फ चोरी करता हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ स्टूडेंट का दिल चुराया है, बस मैंने और कुछ नहीं चुराया। हाँ, 100 रुपए में पढ़ाता हूं, ये गलती है, 100 रुपए में पढ़ाता हूं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं 100 रुपए में पढ़ाना बंद कर दूं, कर दूंगा, लेकिन कोचिंग वाले दिल से दुआ करें कि मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन अगर मुझ में सांसें बच गई तो यही कोर्स मैं कराऊंगा, 100 रुपए में पढ़ाऊंगा। जवाब मिल गया भाई? ओके, थैंक यू।